बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू पंजाबी फूड व्लॉग्स। व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल फिट होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ लीची के जूस बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बड़ा ही मज़ेदार बनता है और सेहत के लिए तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। गर्मियों का फल लीची बहुत ताकत बख्श है और बहुत मज़े का फल है। काफ़ी महंगा है लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक जल्दी पहुंचे। जी तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लीचियाँ ले ली हैं, इनको मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब इनका जो छिलका है ये हम रिमूव कर लेंगे। छिलका हम इनका ऊपर से अच्छी तरह से ऐसे करके इनको हम रिमूव कर लेंगे। सारी लीचियाँ जितनी भी हैं इनके छिलके उतार लेंगे, इस तरह बड़ा आसानी से ये छिलका उतर जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह करके हम इसका सारा छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद इसमें जो अंदर गुठली होती है उस गुठली को हम निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेंगे इस तरह करके। इस तरह करके इसकी जो गुठली होती है, काफ़ी मोटी सारी गुठली होती है, इतनी बारीक नहीं होती, इसको हम इस तरह रिमूव कर लेंगे। ये हमने रिमूव कर ली जी। तो छिलके हमने इसके पील कर लिए, ऊपर से रिमूव कर दिए हैं सारे। इस तरह ये देखें, इसका गुदा निकला है। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे, ये गुद्दा सारा लीची को हम इस ब्लेंडर में डाल देंगे, जग में डाल देते हैं। इसमें हम पिसी हुई चीनी तकरीबन डाल देंगे जी, ये दो चम्मच हम चीनी पिसी हुई डाल देते हैं। ठंडा यख पानी है, चाहें तो आप बर्फ़ भी साथ डाल दें, लेकिन मैंने यख ठंडा पानी बिल्कुल लिया है। आधी बर्फ़ जमी हुई है इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। जी तो अब हम इसमें कुछ पानी और डाल लेते हैं। इतनी लीचियों से तकरीबन हमने 3 गिलास जूस बनाना है जी। तो जूस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको हम सबसे पहले ये एक छलनी लेके तो इसके साथ भून लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तो जूस को हमने छान लिया है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी बर्फ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ लोग ये नमकीन जूस पसंद करते हैं, काला नमक डालते हैं और वाइट नमक भी डालते हैं, लेकिन हमें ये कुछ मीठा मीठा पसंद है तो हमने इसमें चीनी डाल दी है। आप नमकीन पसंद करते हो तो आप नमक डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, बड़ी एनर्जेटिक रेसिपी है, बहुत मज़े की है। गर्मियों में ख़ास तौर पे बड़ा ही मज़ा आता है ये रेसिपी बनाने का और जूस पीने का, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक जल्दी पहुँचे। आइंदा न्यू रेसिपी के आने तक दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, अल्लाह आपके रास्ते आसान फरमाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।